नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमीरपुर अवादेवी मार्ग पर चल रहे NHK के कार्य ने लोगों को खूब परेशानी में डाल दिया है। कार्य का जिम्मा उठाने वाली कंपनी ने अपनी लाचार कार्य प्रणाली के चलते इस परेशानी को और भी बढ़ाकर रख दिया है। कंपनी के नुमाइंदों ने पहले तो सड़क की खुदाई में खूब जोर रखा। लोग बार बार आग्रह करते रहे कि बारिश होने के बाद यहाँ पर हालात बिगड़ जाएंगे, लेकिन कंपनी ने अपनी व्यवस्था को सुधारने की वजह खुदाई के प्रयास को जारी रखा और अब बरसात के कारण जहाँ सड़क जगह जगह धंसना शुरू हो गई है, लिहाजा इन भारी भरकम वाहनों के कारण सड़क को हो रहे नुकसान का असर लोगों के रिहायशी मकानों पर पड़ रहा है। मजबूरी में लोगों ने बराडा के बाद सड़क को बंद कर दिया। कार्य का जिम्मा उठाने वाली कंपनी की लाचार व्यवस्था के चलते लगभग सभी प्रभावित तंग हैं। वहीं लोगों के घर में पानी घुस रहा है। पहले ही NHK के प्रभावित लोग परेशान हैं। कुछ बचा तो अब उसे बारिश के पानी से नुकसान पहुंच रहा है। तेज़ बारिश में जहां प्रशासन ने घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है, वहीं बराडा के बाद जब मकान के अंदर घुस रहे पानी से लोगों ने खुद को असुरक्षित महसूस किया तो वह घर से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। भारी भरकम वाहनों की आवाजाही से सड़क धंस रही है, लिहाजा इन लोगों ने बराडा में सड़क को बंद कर दिया। लोगों ने सरकार व प्रशासन से गुहार लगाई है कि इसमें हो रहे नुकसान की भरपाई कार्य करने वाली कंपनी से करवाई जाए। साथ ही जब तक मौसम नहीं सुधरता तब तक हमीरपुर अवादेवी मार्ग को पूर्ण रूप से बंद कर दें। ये देखो डंगे की हालत, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, हमारे मकान को खतरा है। और यहाँ पे देखो, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, किसी सभी लोगों के घर में पानी जा रहा है। और ये देखो रोड की हालत, देखो 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 सभी की तरफ, सारी तरफ देखो ना आप, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ये देखो, हमने यहाँ पे चक्का जाम कर रखा लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये देखो सामने जो मकान दिख रहा है आपको, इसके अंदर भी पानी जा चुका है। और ये देखो नीचे की तरफ, ये सड़क का हाल है। देखो अब क्या करें, आप ही बताओ हमें। ये देखो, ये जो सामने मकान है ये इन्होंने पूरा तोड़ रखा है, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा जा चुका है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अब देखो। और देखो यहाँ पे बसें भी जा रही हैं, अब क्या करना है इनका आप बताओ हमें।